आगे बढ़ रहे हैं। तेज अंधड़ और तूफान से राजस्थान का बिजली तंत्र पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। आपको बता दें कि आंधी और तूफान से राज्य में बिजली विभाग को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को हुआ है। आपको बता दें कि जी मीडिया से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का ये कहना था कि अगले 7 दिन में बिजली तंत्र को सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा कल से मिलने वाली राहत पर कहा कि कल से 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी। भाटी साहब, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से तूफान ये मचा राजस्थान में, जिस तरीके से तूफान आया उसके बाद में हमने देखा कि बिजली को काफ़ी नुकसान हुआ है, ट्रांसफार्मर उखड़ गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। देखिए, पिछले दिनों जो हमारे प्रदेश में तेज तूफान आया उसमें तूफान, बारिश और अंधड़ की वजह से वैसे तो ओवरऑल सभी जगह नुकसान हुआ, सभी तरह का नुकसान हुआ, लेकिन बिजली विभाग को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। बिजली विभाग में हमारे विभाग के बड़ी संख्या में पोल गिरे, बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुए। हमारे कई 33 केवी के जीएसएस हैं जो पूरे के पूरे जीएसएस ही एक तरह से ढह गए। तो ऐसी स्थिति में एक बार तो बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से हमारे विभाग के कर्मचारी, इंजीनियर्स, अधिकारी सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। जो राहत है वो वाकई उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन लोगों को जरूरत है? निश्चित रूप से ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही ये योजना मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं और राजस्थान के इतिहास में बिजली विभाग की सबसे बड़ी घोषणा मैं मानता हूँ कि हमारे प्रदेश के करीब 125 करोड़ जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन सभी उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जो उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं उन सभी उपभोक्ताओं को अगले महीने यानी जून से बिजली का बिल उनका शून्य आएगा। करीब 800-850 रुपये का प्रत्येक परिवार को सीधी राहत देने का जो कार्य है वो राजस्थान सरकार, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है जी के माध्यम से? देखिए, मैं जी टीवी के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो 100 यूनिट फ्री बिजली देने की राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए घोषणा की है, महंगाई राहत शिविर आपकी ग्राम पंचायत में लग रहा है और आपके यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो नगर पालिका क्षेत्र में लग रहा है, नगर निगम क्षेत्र में लग रहा है, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन अपने आपके वार्ड में या पंचायत में नहीं कराया है तो बहुत सारे ऐसे स्थायी कैंप हैं जो 30 जून तक चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि निश्चित तौर पर जो महंगाई राहत कैंप में उसमें तमाम जो बिजली के उपभोक्ता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राहत लेनी चाहिए क्योंकि ये जो योजना है वो अंतिम छोर तक सरकार ने बनाई है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।